गाइस देखिए हमारे, देखो एक तो वो रहा और अभी अभी एक और भी आया है। देख जाएगी तू एक गुनु को एक मेरो। ये देखिए ये लेके आए सिलेपले बटन। इन दोनों की लड़ाई नहीं खत्म होती पूरे दिन में। गाइस जी आगे ये पूरी दुनिया का तो एकमात्र सत्य मंदिर है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे है झुंझुनू में। हेलो गाइस, तो मैंने कर दिया मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट। तो गाइस मैं उठ चुका हूँ, तो चाय वगैरह तो मैं सुबह ही उठ के पी ली थी। अब तो हमारी गाय भी आने वाली है, बस 5-10 मिनट और लेगी, तो देखते पे। वैसे घर पे तो कोई नहीं, दादाजी भी नहीं है, दोनों पापा भी काम पे गए हुए हैं। गाय जी गाय और एक इतनी तेज धूप हो रखी है, घर पे आई नहीं कोई। देखिए पहले तो इसको वहाँ पे बांध रखा था, अभी इधर लेके आए हैं। गाय जी अभी तो शायद टाइम लेगी, ये बैठ जाए तो ब्याज जाएगी। हमारे चीनू देखो कितने आराम से देख रहा है, नहीं नहीं सो रहा है तो। और ये गाय है, गाय घर पे कोई नहीं तो इसीलिए मैं मेरे दादाजी को लेने जा रहा हूँ। एक बार फोन करो, यही लिख दो, फोन नंबर नहीं है, मतलब वो दिसाज को ले गई, उस फोन में थे, मिलते हैं आपको आके। 2 seconds later गाय देखिए हमारे, देखो एक तो वो रहा और अभी अभी एक और भी आया है। एक तो ये रहा और ये रहा, और ये गाय भी आई थी। गाय हमारी गाय भी आ गई और दो दो बछड़ी लेके आई है। तो गाय बिट्टू से पूछते तेरे को अच्छे लग रहे आप दो लाए तो, वो आप लेके जाओगे उनको? लेके जाएगी तू एक गुन्नू को एक मेरो। एक इसका एक गुन्नू मतलब बछड़ी है। ये रही हमारी प्यारी दो नन्नी नन्नी बछड़िया। गाय जी एक तो इधर है और एक उधर, वो बैठी नहीं, आप तो उठ गई। गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, अब निखिल की फोटो खींचेंगे और थोड़ी बहुत मैं भी खींचाऊंगा। सिलेपले बटन साथ नहीं है मेरी ज्यादा, फोटो तो खींचेगा क्रिस निकलेगा फोटो, और दिशा आ रही है, दिशा खींचेगी। ये देखिए ये लेके आए सिलेपले बटन, अभी छत पर आए हैं, निखिल की फोटो खींच रहे हैं। इसकी खुल रही है, तो बहुत भयंकर धूप हो रही है, बोल रहे हैं सभी, बोल रहे हैं अभी खिंचवाएंगे, इसलिए अभी खींच रहे हैं। परवीन खींच रहा है, इसकी आँख भी नहीं खुल रही है, फिर भी फोटो खींचनी जरूरी है, क्या बताया। देखो गाइस ये फोटो खींचेंगे, गाइस फोटो वगैरह खींच ली, ढंग से तो खींच नहीं जा रही, आँख नहीं खुल रही, यहाँ पे इतनी तेज धूप हो रखी है। अब चलते हैं नीचे, कैमरा वगैरह पैक कर लिया और सिलेपले बटन निखिल ने ले लिए। तो गाइस हमने वो फोटो वगैरह तो निकाल दी, अब एक डेटा केबल लेके आए थे एक दिन, और उसमें चार्ज नहीं होता तो उसको चेंज करा के लेके आएंगे, वैसे तो हमारे खाता चलता है। इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी धूप इतनी तेज हो रखी है, तो गाय तो बैठी हुई है और वो देखते हैं वो कहाँ पे है। हाँ ये रही दोनों, एकदम पूरी सेम है दोनों, एकदम आँख नहीं खुल रही, एकदम पूरा। इसके घर पे हम ऐसे कह के आए कि हम जा रहे हैं हमारे घर पे, पर थोड़ा देखते हैं इधर चलते हैं, ये पता नहीं क्यों थोड़े पागल पागल से लग रहे हैं। गाइस जब टाइम पास तो हो नहीं रहा, हमारे पीछे एक सेसुत का पेड़ है, तो हम थोड़े सेसू तोड़ लेंगे, पर क्रिस के पापा का डर लग रहा है, वो देख रहे हैं तो डांट मारेंगे। ठीक है मिलते हैं आपको सेसू तोड़ने के बाद। तो गाइस सेसू तोड़ के तो घर आ गए, अब लग रही है भूख, ज़्यादा देर तो थे सुख नहीं खाए थे, बस थोड़े बहुत खाए थे, तो पोहा बनाते हैं। बना रही है ये, बना रही है गाय के लिए, मतलब वो जेर नहीं गिर रही अभी तक तो जितनी भी आई है किसी ने नहीं गिरी है ना खुद से तो। तो गाय हमने बना लिए, ये बीच में ये लड़ाई कर रही है, ये बनाना कुछ आता नहीं, ज़्यादा ही आता है। हाँ क्या ये देखो गाइस कितने एकदम खुले खुले बने, खुले ओहो। तो गाइस बन के पूरे रेडी हो चुके हैं, साथ में सॉस ले लिया। गाइस मैंने खाना तो खा लिया, क्या 16 पर्ची डब खेलेंगे, और तो इधर ही दोनों निखिल का तो और ही कुछ खेलने का जी कर रहा है, तो मिलते हैं आपको। पर्ची बना रहा है पहले, 16 पर्ची बना रहा है, इधर 4 पहले क्रिस की बनेगी, फिर परवीन, आदेश, निखिल। तो गाइस हम गेम वगैरह तो खेल के आगे, अब गाड़ी में बैठे लक्की भाई की बारात देख रहे हैं, अभी बारात है रहा बाहर देख रहे हैं, उसके बाद लोग गाड़ी चलाते हैं, ये गिर गया क्रिस एक से, वो भाई मान जा, रात को वेट करो आज। ठीक है तो मिलते हैं लक्की भाई आने के बाद। तो गाइस हम निकल चुके घर से, लक्की भाई और इन दोनों को हमने दे दिया डोली। तो गाइस हमने दूध तो दे दिया, अब डेटा केबल चेंज करने, इन दोनों की लड़ाई नहीं खत्म होती पूरे दिन में, ये देखो कैसे कर रहे हैं। तो गाइस अब इनको कोल्ड ड्रिंक दिलाई है, कौन सी दिलाई, फ्रिज
दिलाइए बेटा दवाई तो मैं मेरा लगे रास्ते में मांगते आ रहे थे गाइस जब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं अच्छी है। तो गाइस हम आ गए हमारी मेन रोड पे पीछे हमारे मतलब कोई गैंगस्टर वगैरह है तो वो खड़े थे बाहर तो भाई जी को थोड़ा डर लगने लगा इसको बता दिया कि यहाँ यहाँ पे अड्डा है और वो खड़े बाहर अपनी गड्डी वड्डी लेके फिर इस बारा हाथ मिला ले देखिए। पर ये रोड सही है एकदम पूछ जाता ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं आती और सामने है वो हमारा मंदिर झुंझुनू का भाई जी आगे ये पूरी दुनिया का एकमात्र सत्ती मंदिर है ना सबसे बड़ा यहाँ पे है झुंझुनू में। देखो भीड़ देखो कितनी है कितनी टूरिस्ट गाड़ी वगैरह आ रखी है यहाँ पे